तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाडा प्राइम के बारे में बहुत खूबसूरत सा प्रेजेंटेशन है मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं कि किसके जैसा दिख रहा है और जब आप इसे ओपन करते हैं तो एकदम हेवी सा आपको केप मिलता है बहुत भारी सा केप है और ये जो चेन है इसे आप डिटेच भी कर सकते हैं यहाँ इन्होंने डिटैच अरेंजमेंट दिया है मैं आपको करके दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है और इसे आप डिटेच कर सकते हैं आराम से तो ये हेवी सा आपको केप मिलता है और ये बॉटल को जिस तरीके से दिखता है एम्पर की तरफ़ से ये ब्रांड ये जो परफ्यूम है ये आता है और एम्पर ने बहुत बढ़िया क्वालिटी में ये फ्रेगरेंस निकाला है हम जानेंगे कि किसकी तरह ये स्मेल करता है और क्या क्या इसमें फ्रेगरेंसेस आपको मिलती है कितना ये लास्ट करता है कितना प्राइस पॉइंट है और कब आप इसे लगा सकते हैं सारी कुछ बातें करेंगे इस परफ्यूम से रिलेटेड तो अगर आप जानना चाहते हैं इस परफ्यूम के बारे में तो ये वीडियो देखते रहिएगा चलिए शुरू करते हैं हेलो दोस्तों मेरा नाम है कंचन पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्रेक स्टॉक दोस्तों इस चैनल पे हम फ्रेग्रेंस रिलेटेड बातें करते हैं अच्छे अच्छे परफ्यूम्स डिओड्रेंट्स अतर के बारे में बातें करते रहते हैं तो अगर आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों बात कर रहे हैं इस फ्रेग्रेंस के बारे में तो एम्पर कंपनी की तरफ से आता है हंड्रेड एम एल ई में आता है काफ़ी हैवी बॉटला इसका मिलता है और ये जो इसका केप है वो भी काफ़ी हैवी है मैंने इसका टेस्टर पेक खोला है हम अगर बल्क में लेते हैं तो हमें टेस्टर पेक्स भी मिलते हैं तो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है आप वहाँ जाके इसे परचेस कर सकते हैं टेस्टर नहीं आपको कुछ इस तरीके से बॉक्स मिलते हैं इनके बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं इसके तीन वेरियंट अवेलेबल है आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मैं तो मेड इन यू ब्रांड है और इस पर बेच कोट और पीछे एम्पर का सील और ये पूरा लगा हुआ है काफ़ी बढ़िया तरीके से इन्होंने पैकेजिंग दिया है और ये जो चीज़ है ये काफ़ी प्रीमियम है अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो भी आप इसे दे सकते हैं और वाकई में बात की जाए डायरेक्ट इसकी फ्रेगरेंस के बारे में क्योंकि जब तक फ्रेगरेंस सही नहीं होगी परफॉर्मेंस सही नहीं होगा जब तक लेने से कोई फ़ायदा नहीं तो मैंने इसे टेस्ट किया है दो दो तीन दिन इसे वियर किया था मैंने और इसीलिए मैं इसका फाइनली आपको रिव्यू बता रहा हूँ और इसके साथ में एक वुमेन वाला फ्रेगरेंस है उसका रिव्यू इसके जस्ट बाद में आएगा इस वीडियो के तो वो भी जरूर देखिएगा वो वाला है ये वाला फ्रेग्रेंस के लिए तो इसका रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है आप जरूर देखिएगा इस बोतल का प्रॉब्लम ये है कि आप इसे खड़ा नहीं रख सकते आपको इसे ऐसा टेढ़ा ही रखना होगा और फिर भी काफी अच्छा लगा मुझे एकदम यूनिक चीज हाथ में आती है तो काफी अच्छा लगता है जैसे ही आप इसे लगाते हैं तो सबसे पहले तो बहुत स्ट्रांग नोट मिलता है आपको और बहुत इंटेंस नोट मिलता है फ्रूट्स आराम से आपको इसके टॉप में मालूम पड़ते हैं ग्रे फ्रूट का और मंडरीन का बहुत बढ़िया सा टोन्स में मालूम पड़ता है कहीं ना कहीं बगा भी आप पहचान सकते हैं और उसके ही जस्ट पीछे आपको जो मिडिल है वो उसकी एहसास आने लगती है और मिडिल में आपको जो चीज़ें मिलती है वो काफ़ी लंबे समय तक पूरे फ्रेग्रेंस में परमानेंट मिलती है जैसे कि सिनेमन स्पाइसी वाम स्पाइसी टाइप का नोट इसको देता है सिनेमन और पूरे फ्रेग्रेंस में इसे परमानेंट रखता है काफी अच्छा सिनेमन यूज़ किया हुआ है उसके साथ में एम्बर का नोट इसे पूरे फ्रेग्रेंस में मिलता है और वार्म इफेक्ट देता है इसे कुछ और स्पाइसेस भी इसमें है लेकिन सिनेमन काफी अच्छे से निकल के आता है और उसके बाद में आपको हल्का सा रोजी नॉन्स मिलेगा अगर आपको रोज की खुशबू पसंद नहीं भी है तो टेंशन लेने की बात नहीं है इसके अंदर जो रोज है वो काफी अच्छे से ब्लेंड है लेकिन मैं उसे महसूस कर पाता हूँ कि पीछे से कहीं ना कहीं उसका ट्रेल उसका सपोर्ट मिलता है तो रोजी नॉन्स के साथ में आपको वॉर्म स्पाइसेस मिलते हैं एम्बरी थोड़ा सा लेदरी टाइप का वाइब मिलता है और थोड़ा जब ये और बेस में जाने लगता है तो टोंका बीन टाइप का या फिर कहें तो वेनिला टाइप का आपको हल्का सा और स्वीटनेस वाला इफेक्ट देखने को मिलता है थोड़ा सा डार्क टाइप का इफेक्ट देखने को मिलता है वार्म टाइप का इफेक्ट देखने को मिलता है तो ओवरऑल जो इसका थीम बनाया हुआ है ब्लैक कलर में और गोल्डन कलर में ये इसको रिप्रेजेंट जरूर करता है और प्रीमियम खुशबू है अगर आप किसी शादी पार्टी में जा रहे हैं किसी अच्छे ओकेशन में कहीं लगाना है आपको या फिर आपको स्टैंड आउट होना है भीड़ से तो काफी अच्छा सूट करता है विंटर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा विंटर में आप इसे कभी भी लगा सकते हैं कभी भी आप गलत नहीं होंगे और अगर विंटर नहीं है तो आप इसे इवनिंग टाइम में लगाइए या फिर ए सी है ऑफिस वाला एटमोसफेयर है वहाँ इसे लगाइए काफ़ी बढ़िया सूट करेगा बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स इससे मिलते हैं बात करें कि, कि किसकी मुझे याद दिलाता है किसके सिमिलर लगता है तो मुझे 90 परसेंट ये वन मिलियन के सिमिलर लगता है और उससे थोड़ा सा कुछ इसमें एडॉन है वो मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ लेकिन फिर भी 90 परसेंट ये वन मिलियन के सिमिलर लगता है पाको रवाने का जो वन मिलियन आता है उसके काफ़ी महंगा आता है और काफ़ी ज़्यादा जाना माना ये फ्रेग्रेंस है तो बिल्कुल हू बहू मुझे उसी की याद दिलाता है बात की जाए अगर इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो आराम से आपको पूरे दिन ये लास्ट करता है शुरुआत के तीन घं तीन घंटे बहुत बीस्ट मोड्स का परफॉर्मेंस मिलता है उसके बाद में आपके साथ ट्रेल बना के रखता है आप किसी से भी मिलेंगे तो आराम से उसे महसूस होगा छः से सात घंटे उसके बाद में क्लोज टू स्किन हो जाता है और नेक्स्ट डे तक भी आपके क्लोथ्स पे आराम से ये बना होता है तो परफॉरमेंस के मामले में कोई दिक्कत नहीं प्रेजेंटेशन में मैं इसको 10 में से नाइन मार्क्स देना चाहूंगा क्योंकि यूनिक है बात की जाए इसकी प्राइस रेंज के बारे में तो ये अभी आपको पंद्रह सौ निन्यानवे रुपए का मिल रहा है यानी कि फिफ्टीन हंड्रेड नाइनटी नाइन रुपीज का मिल रहा है तो दोस्तों यही था स्पार्ट प्राइम के बारे में और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा अगले दो जो वेरियंट है इसके अगर आप वो देखना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे जरूर लिख के बताइएगा और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए सुरक्षित रहिए जय हिंद